नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानेंगे कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या पेपर लगते हैं, तो उसको जानेंगे दोस्तों। और जानने के लिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, तभी आप सब सही तरीके से समझ पाएंगे। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आगे की ओर जानते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कैसे करें और क्या क्या पेपर लगता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पेपर है वो होता है हमारे तरफ से आवेदन, यानी कि जिन व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाया है ज़मीन का, तो वो अब दाखिल खारिज करेंगे तो उनके तरफ से एक आवेदन होना चाहिए और वो आवेदन अंचलाधिकारी के नाम से दिया जाएगा। तो अंचलाधिकारी के नाम से एक आवेदन लिखना होगा और उसमें जो विषय होगा उस विषय में लिखना है दाखिल खारिज के संबंध में, इस तरह का मैटर बनाकर लिखना है। अब अगला जो दोस्तों है वो है केवाला, केवाला का फोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति, केवाला का छाया प्रति होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कि अगर आपका जमीन दो खेसरा में है या तीन खेसरा में है, ठीक है, या फिर सिंगल खेसरा में भी है, तो क्या होता है अमीन के द्वारा मापी करवा के एक नजरी नक्शा बनवा के रिपोर्ट तैयार करवा के उस रिपोर्ट को भी उसमें शामिल करना पड़ता है कि आपने किस खेसरा में कितना ज़मीन लिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार, नजरी नक्शा के अनुसार अमीन का जो रिपोर्ट होता है उससे स्पष्ट पता चल पाता है, तो वो रिपोर्ट भी होना चाहिए अमीन के द्वारा नजरी नक्शा का रिपोर्ट, ठीक है। अब है दोस्तों अगला जो स्टेप है, जिन व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाया है उनका एक अपना प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं। अब है दोस्तों ये चार स्टेप की बात, पांचवा जो स्टेप है वो है जिनसे आपने जमीन खरीदा है, जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनके द्वारा कोर्ट से एक हैपेटिपेट होना चाहिए, यानी कि शपथ पत्र होना चाहिए उनके द्वारा। तो ये पांच चीज़ें हैं, पांच पेपर लगते हैं और इन सभी को इकट्ठा करके ऊपर में जो रहेगा वो आवेदन का पेज रहेगा और उन सबको अंचलाधिकारी के पास जमा करना है। उसके बाद आपकी जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसका एक निश्चित समय सीमा, मतलब इस तरह से नहीं रखा गया है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कुछ कम दिन लग जाते हैं, लेकिन काम हो जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब राजस्व कर्मचारी के पास काम ज़्यादा होते हैं तो उन्हें ज़्यादा दिन भी लग सकता है, अगर काम कम होते हैं तो कम दिनों में भी दाखिल खारिज कायम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, इसको समझ पाए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।